हेलो फ्रेंड्स, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम यू ऑल आर वेलकम टू माय किचन। एक पहल भाई शोभना मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। ये टेस्टी वाले आलू बनाने के लिए हमें बहुत तामझाम की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, केवल कुछ बेसिक चीज़ों से हम ये रेसिपी बनाएंगे बहुत ही सिंपल वे में। वीडियो देखिए और बनाइए। इसके लिए हमें चाहिए केवल थोड़े से छिले हुए आलू, जिनको हम इस तरह से कट कर लेंगे। बच्चों को ही नहीं बड़ों को भी आइटम ज़रूर पसंद आएगा। इवनिंग मॉर्निंग एनी टाइम आप कभी भी बना के सर्व कर सकते हैं। काटने के बाद आलू कुछ इस तरह से दिखाई देंगे। अब हम इनको ठंडे पानी में 10 मिनट के लिए डाल देंगे। बटर को मेल्ट करेंगे, चिली फ्लेक्स, ओरिगेनो एंड जिंजर गार्लिक पेस्ट और सॉल्ट को मिक्स कर लेंगे। 6 मीडियम साइज के आलू के लिए 50 ग्राम बटर काफ़ी रहेगा। उसके अलावा चिली फ्लेक्स, ओरिगेनो एंड सॉल्ट और जिंजर गार्लिक पेस्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। पानी में रखे हुए आलुओं को अब हमें पानी निकालना होगा। कुछ इस तरह से कॉटन के कपड़े पर फैला देंगे और दोनों साइड से थोड़ा सा प्रेस करके पानी को निकाल देंगे। अब फ्रेंड्स उस बर्तन में रख देंगे जिसमें हमें इसे बनाना है। मैं एयर फ्रायर यूज़ कर रही हूँ, आप किसी भी नॉर्मल कढ़ाई तवे पे भी बना सकते हैं। और जो बटर का हमने मिक्सचर तैयार किया था उसको इस तरह से आलूओं को सेट करके उनके ऊपर डाल देंगे, क्योंकि इनको हमने कट किया है पूरी तरह से ऊपर और नीचे दोनों साइड से, तो उसमें ये मिक्सचर अच्छी तरह से अंदर चला जाता है और उसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। चलिए तैयार हो गए, अब इनको मैं एयर फ्रायर में रख देती हूँ। टाइमर सेट कर देंगे, इसके ऊपर लिखा रहता है कि कौन सी चीज़ के लिए कितना टाइम रहता है, तो इसके लिए 20 मिनट दिखाया है उसमें मैं सेट करके इसको ऑन करके छोड़ देती हूँ। दूसरा हम कढ़ाई में भी ट्राई करेंगे, क्योंकि वो तो अपने यहाँ घर में हर किसी के यहाँ अवेलेबल होती है और बहुत ही आसानी से उसमें बना सकते हैं। कढ़ाई में मैंने पहले ही रख दिए थे और इसमें ऑयल या घी एक्स्ट्रा कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें बटर तो ऑलरेडी है, तो हमें कुछ और अलग से डालने की ज़रूरत नहीं है ग्रीसिंग के लिए। और इनको मीडियम से लो के बीच में फ्लेम रख के हम पकने के लिए रख देंगे। ढक्कन लगा के भी रख सकते हैं, बिना ढक एयर फ्रायर में जो रखे हैं उनको चेक कर लेते हैं। 10 मिनट के बाद मैंने चेक किए थे, 20 मिनट के बाद ये इस तरह से कुक हो गए थे और कढ़ाई वाले उससे ज़्यादा जल्दी हो रहे थे। इनको भी मैंने पलट के रख दिया था, फटाफट तैयार हो जाते हैं। एयर फ्रायर में लेकिन टाइम ज़्यादा लगा, तो आप भी कढ़ाई में भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेस्ट बिल्कुल वैसा ही आया था और बल्कि जो कढ़ाई में बनाए थे उसका ज़्यादा क्रिस्पी और ज़्यादा अच्छा टेस्ट था। आप लोग भी ट्राई कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम जल्दी ही मिलेंगे अगले वाले वीडियो में। वीडियोज़ देखते रहिए। मेरी और भी कुछ आसान सी रेसिपी है जिनके मैं लास्ट में लिंक दे दूँगी। प्लेलिस्ट ओपन करके इंस्टाग्राम पे भी, फेसबुक पे भी, आप कहीं भी मेरे वीडियो देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।